Cơm nha, rồi đi. Good boy. Bố Lý. ये मटर के स्टीयर तो रॉट वाले ये गोलू मोलू पीछे से पहुंचा है, आप चेकआउट कर सकते हैं आपस में लड़ते हुए। अगेन अगेन आपस में लड़ते पंगे लेते हुए। वाओ, इस वीडियो में दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, सिर्फ आप इंजॉय कीजिए इनके नटखरपंथी के। ये देखो बुल्ली फाइट, ये देखिए मेरी याली जाजा लेते हुए को। तो दोस्तों पपीज़ के लिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, देखिए खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये घूमे फिरेंगे खेले कूदेंगे पपी उतना ज़्यादा हेल्थी एंड एक्टिव होगा। एंड जितना ज़्यादा हम पपीज़ को केज के अंदर रखेंगे रूम में रखेंगे पपी उतना लेजी बीमार पड़ता रहेगा। सो फ्रेंड्स मेरा टारगेट तो ये कि अगर आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अगर ब्रीडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो या बच्चे रख रहे हो तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आपके पास खुला डुला स्पेस होना चाहिए। वो स्पेस है कीजिए, नहीं है नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसे हेल्थी एक्टिव पपीज हमेशा आप किसी भी सेल करेंगे वो तो हमेशा नाम ही करेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। फुल एरिया ये चेक कर सकते हो आप, वो वहाँ से कह के तो पार्क पार्क में दोस्तों ये मेरा लॉन है, ये पूरा एरिया देखिए ये सारा ग्राउंड वहाँ तक है, वहाँ फिलहाल थोड़ा पानी जम रहा है ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हो। बहुत एरिया है इन सही पपीज़ के लिए। सो एरिया होना बहुत जरूरी है, बट राटी 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 कम्य 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 गुड गुड ले आओ। सो दोस्तों कई बार कहते हैं भैया प्लेइंग वीडियो लाओ, अच्छा चलिए आज प्लेइंग वीडियो स्पेशली करते हैं। वो देखिए ऊपर नीचे खेलता हुआ, वो पन्नी के पीछे पड़ा है, ये टॉफी के रैपर के पीछे पड़ा है, एंड अमरूद और बाकी से मेरे पैर के पास है।
ये गोलू मोलू से बहुत फ़ायदा है, आप देख सकते हैं फ्रेंच मस्टिफ से भी गोलू मोलू है, रॉटवेलर का फीमेल पपी है, सबसे मोटी है, एंड ये मेल, ये बहुत गोलू मोलू है। ये मुंह फंसा लिया इसने अपना, बस निकल गया। सो इनके दोस्तों घूमने के लिए बहुत एरिया है और ग्रास वगैरह के लिए बहुत जरूरी है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे एरिया में मैं जितने भी पपीज रख लूँ वो सब जो पपीज है जस्टिफाई है, क्यों, इनके लिए घूमने फिरने के लिए स्पेस है, तो ये पपी हेल्थी एंड एक्टिव रहेंगे। यहीं पे अगर इनको मैं कॉम्पैक्ट एरिया में कम जगह पर रखता हूँ दोस्तों तो क्या होगा, वो उनके लत्ते चार हैं, पपीज़ बीमार पड़ेंगे, पपी एक्टिव नहीं रहेंगे और ये बीमार पड़ते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो पपी बीमार ना पड़े तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे फार्म से लीजिए या कैसे ऐसे लीजिए जहाँ पर इनका प्रॉपर इनका बंदोबस्त है, इनके रहने खाने का ध्यान रखा गया है। ऐसी जगह बिल्कुल अवॉइड कीजिए जहाँ पर इनका ध्यान नहीं रखा गया है। इसके आईज दिखा दो आपको, मैं आईज देखो ऑलरेडी अल्टीमेट इसके दिमाग में क्या चल, इसको पता है। ये देखो मिलना चाहिए इनको पंगे लेना, पन्नी के पीछे पड़े हुए। सो दोस्तों ऐसे हेल्थी इन्वायरमेंट में अगर पपीज़ रहेंगे नो डाउट काफ़ी हेल्थी रहेगा। और देखो आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे पपीज़ सारे के सारे हेल्थी हैं और ये सभी पपीज़ आप लोग के पास आने वाले हैं, तो और बोलो क्या कमी है इनमें। फुल टर्न अडन फुल मटर किस्ती करते हुए पहुँच गई, तो ये क्वालिटी है जिसे मैं डील करता हूँ। मैंने खाने का फूड, दो मिनट होल्ड करो, सो दोस्तों ये है इनके फीड गैराज, ये रॉयल कैन जायंट स्टार्टर है और ये जो है ये सारी पपीज में पलते हैं, तो इसको खिलाने में दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि आई थिंक इसकी जो कॉस्टिंग है ये है 8,740 का मैं पड़ जाता मैं, तो सबसे महंगा फूड सबसे महंगा खाना सबसे महंगा नहीं इनसे से इससे महंगा महंगा बहुत आता है, बट हाँ आप एक लेवल में इनसे एक महंगा खाना और इनके हेल्थी का राज के निशानी है। ओके दोस्तों जय हिंद।